We look forward to seeing what you do next, and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more. तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फूलझड़ी है वो क्या था। संदीप रेड्डी वांगा, ये नाम आज हर किसी की जुबान पर है, चाहे वो अच्छे रीजंस की वजह से हो या फिर बुरे, लेकिन कोई भी आज इस इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता। फिल्मों में अल्ट्रा वायलेंस, सुपर हिट का एज्यूरेंस और आंध्र प्रदेश में जिनका रेसिडेंस, इनको आखिरकार इतनी मैसिव सक्सेस क्या ओवरनाइट मिल गई थी? बिल्कुल नहीं। आज हम इन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि कैसे इन्हें अपनी पहली मूवी अर्जुन रेड्डी के लिए बहुत धक्के खाने पड़े और आज जिस डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए सुपरस्टार भी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, उसी के लिए आखिर में जाकर इनके घर वालों को अपनी एक लौती जमीन बेचनी क्यों पड़ी। इनकी सिर्फ मूवीज नहीं बल्कि इनकी लाइफ भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल रही है, जिसी का गुस्सा इन्होंने मूवीज लिखते टाइम पेपर पर भी निकाला। इनके इतने नेगेटिव रिव्यूज के बाद भी कैसे इनकी मूवीज हमेशा ब्लॉकबस्टर का टैग घर लेकर जाती है और इतने सक्सेस के बाद भी ये साउथ इंडस्ट्री के साथ वापस काम क्यों नहीं करना चाहते। वांगा जी की अपकमिंग फिल्म है जिसे इन्होंने और भी ज्यादा डार्क और वायलेंट बताया, वो कब तक रिलीज होंगी और कैसे देखते ही देखते इन्होंने अपना एक खुद का अलग जॉनर क्रिएट कर लिया, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अब वांगा जी भी साउथ इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, आजकल टैलेंटेड फिल्म मेकर वहीं से निकल रहे, पता नहीं हमारे नॉर्थ साइड को क्या हो गया है, सलाइन नेपोटिज्म खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। फिलहाल छोड़ो, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। वांगा सर का जन्म तेलंगाना में नॉन फिल्मी बैकग्राउंड में हुआ था, जहाँ दूर दूर तक इनके फैमिली में किसी को भी फिल्मिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर ये शुरू से ही फिल्मों से काफी इंस्पायर्ड रहे और अपने भाई के साथ पापा से भी पिटाई खाने के बाद भी हर पिक्चर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर देखने चले जाया करते थे। इनका यही पैसा इन्हें आगे जाकर बहुत बड़ा फिल्म मेकर बनाने वाला था। फिजियोथेरेपी की डिग्री लेने वाले इस बंदे की मूवी में सबसे ज्यादा वायलेंस होता है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि फिजियोथेरेपी पेशेंट की बॉडी से पेन को ठीक करने का काम करते हैं, पर इनकी मूवी देखने के बाद तो न जाने कितने लोगों के माइंड में पेन शुरू हो जाता है। कुछ साल नौकरी करने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाकर फिल्म मेकिंग में मास्टर्स की डिग्री लेकर जब वापस हैदराबाद आते हैं तो फिल्म बनाने के लिए इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और 7 साल तक इनका मूवी बनाने का सपना सपना ही रह जाता है, जिसका रिजल्ट होता है डिप्रेशन एंड एंग्जायटी। द लास्ट मोमेंट द प्रोड्यूसर बैकड आउट, सो इट वॉज अ पॉइंट, अ वेरी डिप्रेसिंग पॉइंट वेयर यू नो, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट अनदर प्रोड्यूसर टू नरेट द स्टोरी। और वही जन्म होता है द वॉयलेंट डार्क संदीप रेड्डी वांगा का। इन्होंने अपनी साड़ी भड़ास पेपर पर निकाल दी और तैयार की अर्जुन रेड्डी। फिल्म की राइटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, पर इसके बोल्ड सीन्स और एंगर इशू वाले प्रोटैगनिस्ट को सबने रिजेक्ट कर दिया। प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंग ये हीरो कहीं से लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मूवीज में हीरोज को हमेशा पॉजिटिव शेड्स में दिखाया जाता है, पर वांगा ने ये सारे स्टीरियोटाइप ब्रेक कर दिए थे। कोई भी अर्जुन रेड्डी पर पैसा लगाना नहीं चाहता था, मतलब फेमिनिस्ट की गाली खाने से सब डर रहे थे। किसी में इतना गुदा नहीं था कि एक लड़की को थप्पड़ खाता हुआ दिखा सके। वांगा सर को भाईजान के पास जाना चाहिए था, उन्होंने तो ये सब रियल लाइफ में कर रखा था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? सॉरी शक्तिमान, आई मीन सॉरी सलमान। प्रोड्यूसर्स की स्क्रिप्ट चेंज करने की डिमांड से तंग आकर वांगा ने खुद ही अपने पापा और भाई के साथ इस मूवी को प्रोड्यूस करने की ठानी, जिसके लिए उन्हें अपने पूर्वजों की जमीन तक बेचनी पड़ गई। I don't know what to do. I didn't tell Vijay. I never told anybody and we're supposed to shoot in the next month. And luckily there was an ancestral property. Like a 36 acres of mango gardens, which is coming from ages, that was sold out. My father and brother put it to, I mean, they sold it out for 1.6 crores and they kept the entire money to the project. उनके प्रोडक्शन हाउस भद्रकाली पिक्चर्स ने अब तक सिर्फ एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है। वैसे तुम लोगों में से किसने अर्जुन रेड्डी थिएटर में जाकर देखी है कमेंट में जरूर बताना। पैसों की कमी के कारण संदीप को अपने विजन और क्वालिटी पर काफी रेस्ट्रिक्शंस रखने पड़े। फाइनली पिक्चर तो बनी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर इस 3 घंटे 10 मिनट की फिल्म की स्क्रीनिंग करने से मना कर दिए। फिर क्या था, वांगा सर ने कहा और इस मूवी को खुद के डिस्ट्रीब्यूटर से बेचा और 5 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई की। अपने बजट से 10 गुना ज्यादा कमाकर इस मूवी ने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ठेंगा दिखा दिया। अर्जुन रेड्डी की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस के बाद विजय देवरा कोंडा के साथ साथ संदीप की भी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्हें कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर आने लगे और विजय भाई ने तो उसी जॉनर में अपना पूरा का पूरा करियर ही बना लिया। उन्हीं बड़े बड़े ऑफर्स में से इन्हें एक टी सीरीज के प्रोड्यूसर भूषण कुमार का ऑफर मिला और वो इस मूवी को बॉलीवुड में रीमेक करना चाह रहे थे। हाँ, टिपिकल बॉलीवुड, बस मौका चाहिए इन्हें रीमेक करने का। सर ने भी इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वांगा जी को इस बार अपने विजन दिखाने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली थी। और फिर 2019 में रिलीज होती है बॉलीवुड की सबसे कॉन्ट्रोवर्सियल फिल्म कबीर सिंह। इस मूवी ने शाहिद कपूर के करियर और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन दोनों को सातवें आसमान तक पहुंचा दिया। मूवी ने 380 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके उसी साल सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। तो वहीं उसी साल साउथ से आए प्रभास के साथ भूषण कुमार की साहो बिलो एवरेज साबित हुई और वांगा जी की फिल्मों से ऐसा दंगा हुआ जिसकी गूंज लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सुनाई दी। आजकल कुछ इस तरह की पिक्चरें आ रही हैं, अगर आप कबीर से शुरू करें, पुष्पा से शुरू करें और अभी एक एनिमल पिक्चर चल रही है।
सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होके आती हैं जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। इन पिक्चरों का, इन वॉयलेंस का और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। अब वांगा सर को न्यूज में बने रहने के लिए दूसरों की तरह मरने की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, वो ये काम अपनी मूवी से ही कर देते हैं। कबीर सिंह के आने के बाद तो सब हाथ धोकर संदीप के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक कभी भी ऐसी फिल्म बनी ही नहीं थी, और अगर कोई वायलेंट फिल्म बनाता भी था तो एंड में वो कैरेक्टर कुत्ते की मौत मरता था, जैसा कि एसआरके ने भी कहा था। बहुत सारे क्रिटिक्स और फिल्म मेकर्स ने मूवी को मिसोजिनिस्टिक बताकर भर भर के गालियां दी, पर इस बंदे पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ और ना ही इन्होंने इन सब बातों से डरकर मीडिया को इग्नोर किया। शुरू से ही अपने व्यूज और आइडियोलॉजी को क्लैरिफाई करते रहते हैं। कभी कभी तो इनकी बातें सुनकर मुझे भी लगता है कि बंदा जूते खाने वाला काम कर रहा है, बट स्टिल फिल्म मेकिंग का मतलब वही है कि कैसे आप अपने व्यूज एंड आइडियाज को लोगों तक पहुंचाते हो। वेल, मैं तो कभी इनकी बातों से एग्री नहीं कर सकता, बट इस बात से डिसएग्री भी नहीं करूंगा कि इनकी मूवीज काफी इंटरटेनिंग होती है। वेल, तुम्हें इनकी मूवीज देखने में मजा आता है या नहीं और तुम इनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हो या नहीं, हमें कमेंट में बताना। हो सकता है कमेंट में तुम्हें भी गंदी गंदी गालियां पड़े, बट एट द एंड किसे फर्क पड़ता है। हां, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का टाइटल ले चुका यह बंदा कबीर सिंह तक ही नहीं रुका। जब आधी दुनिया इसे गरियाने में बिजी थी तभी इन्होंने इंटरव्यू में आकर अपनी अपकमिंग मूवी को कबीर सिंह से भी ज्यादा वायलेंट बता दिया। मतलब अपन को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुमने जो बोलना था बोल लिया, अब मुझे जो करना है वो मुझे करने दे। We look forward to seeing what you do next and hopefully it will generate less criticism. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. और फिर क्या था, मुझ जैसे लोगों का ये सुनकर खड़ा हो गया, आई मीन कान खड़ा हो गया। और 4 साल के इंतजार के बाद ही एनिमल भाई इस मूवी का क्रेज जाने का नाम ही नहीं लेता। जब देखो कोई ना कोई नया ट्रेंड शुरू हो जाता है, इस मूवी से रणवीर कपूर स्टार के लिस्ट में तेजी से सबको पीछे छोड़ देते हैं और अब बॉबी देओल का कमबैक लेजेंडरी बन जाता है। एक्टर्स की किस्मत चमकाना कोई वांगा सर से सीखे। सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। पिछले साल की सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल फिल्म एनिमल के वॉयलेंस और मिसोजिनिस्टिक सीन्स देखकर बहुत सारे फिल्म मेकर्स की सुलगनी शुरू हो गई, जिनमें सबसे आगे जावेद अख्तर साहब रहे और इन्हें मूवी का वो जूता चाटने वाले सीन से काफी प्रॉब्लम भी हुई। अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अब देखो भाई, मुझे भी ये सीन थोड़ा सा अजीब लगा, पर जब इनका बेटा खुद मिर्जापुर प्रोड्यूस कर रहा था तब ये बातें कहाँ चली गई थी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने भी प्रोटैगनिस्ट को मिसोजिनिस्टिक कहा। फिर क्या था, वांगा जी ने दोनों को ही नंगा कर दिया और अपने गिरवान में झांकने की नसीहत भी दे दी। बात तो सही है। एक सुपरस्टार की सेकंड एक्स वाइफ बोल रही है कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं और क्या बोलते हो, स्टॉकिंग को प्रमोट, आपने पढ़ लिया होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि उस औरत को कि जाके आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की या फुलझड़ी है, वो क्या था। मैम, कम बैक टू मी। मिसोजनी मिसोजनी मिसोजनी, भाई आखिरकार होता क्या है ये मिसोजनी? तो देखो भाई, मेल्स जब फीमेल्स की थिंकिंग या आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते और उन्हें बुरी तरह से ट्रीट करते हैं तो उसे ही मिसोजनी कहा जाता है। पर जो भी एनिमल के आने के बाद किसी के पास भी कंटेंट की कमी नहीं रह गई थी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इस पर अपना ओपिनियन दिया और खूब व्यूज छापे। एक साल मैं ही था जो इस पर एक भी वीडियो नहीं बना पाया। इसके गाने भी पिछले साल के मोस्ट लिसन सॉन्ग्स में रहे, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट तो ऑलवेज जमाल कुडू ही रहेगा। वैसे तुम में से किसने किसने इस डांस स्टेप को ट्राई किया जरूर बताना। बॉलीवुड में कबीर सिंह और एनिमल की सक्सेस के बाद संदीप रेड्डी वांगा जब फिर से साउथ गए तो वहाँ के डायरेक्टर्स ने इनके साथ काम करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। देख रहे हो ना भाई लोग, साउथ इंडस्ट्री में भी कम कमीने नहीं भरे पड़े। 2017 में ही अर्जुन रेड्डी मूवी के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम तक रख दिया। अब यही बात बताता है कि ये बंदा अपने करियर से कितना प्यार करता है, और जब भी कोई किसी काम को इतनी शिद्दत से करता है तो उसका सक्सेसफुल होना तय है। वांगा इस जनरेशन के उन लोगों में से आते हैं जिन्हें अपनी कॉन्ट्रोवर्सियल मूवीज की वजह से बहुत जल्दी सक्सेस मिली। आज से ठीक 6 साल पहले इनकी एक भी फिल्म नहीं आई थी और आज लोग इनकी मूवीज के लिए तरसते हैं। इसका मेन रीजन है इनकी अपनी मूवीज को मार्केट करने का तरीका। इन्हें पता चल चुका है कि इनकी ऑडियंस कितनी डाइवर्स है, तो उन लोगों के बीच हाइप क्रिएट करने के लिए अपनी नेक्स्ट मूवी के रिलीज डेट से 2-3 साल पहले ही उसे अपनी पिछली फिल्म से भी ज्यादा डार्क बताना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लोगों में क्यूरियोसिटी अपने आप डेवलप हो जाती है। ऐसा ही कुछ उन्होंने कबीर सिंह के बाद कहा था, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। एनिमल ने वर्ल्ड वाइड 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। ये पहली ए रेटेड मूवी बनी जिसने इतनी कमाई की और डिस्पाइट लॉन्ग रनिंग आवर। एनिमल के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर तो भाई कई लोगों ने ट्विटर पर एनिमल पार्क को जल्दी से जल्दी रिलीज करने की डिमांड तक शुरू
शुरू कर दी। वांगा ने अपने इंटरव्यू में भी एनिमल पार्क को पिछले पार्ट से और भी ज्यादा डार्क और वायलेंट बताया। We look forward to seeing what you do next. Hopefully it'll generate less criticism. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. अब इससे ज्यादा क्या ही होगा भाई? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इनकी हर मूवीज के सारे गाने एक नंबर होते हैं और कबीर सिंह के बाद किसी मूवी का एल्बम मुझे अगर सबसे ज्यादा पसंद आया तो वो एनिमल ही है। स्पेशली वो कश्मीर सॉन्ग, सतरंगा या फिर पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। सह लेंगे थोड़ा सा। अरे भाई इनके सॉन्ग्स इनकी मूवीज की मार्केटिंग खुद कर देते हैं। पिछले कुछ महीनों से हर सोशल मीडिया पर सिर्फ एनिमल के ही गाने ट्रेंड कर रहे हैं और अगर आज के टाइम पर कोई ऐसा गाना बना देता है जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम में फिट हो जाए तो भाई मूवी की पॉपुलैरिटी और फ्री प्रमोशन खुद ब खुद हो जाती है। इनकी मूवीज के सक्सेसफुल होने का एक और रीजन है इनकी मूवीज के लीड कैरेक्टर। बहुत लोग उस कैरेक्टर से रिलेट करने लगते हैं। तुम लोगों का याद ही होगा जब कबीर सिंह आई तो बहुत सारे निब्बे लड़के ब्रेकअप करने के बाद सिगरेट और दारू में डूबे रहते थे और बुलेट की तो क्या ही बात करें, सालों ने अच्छी बाइक की भी मां बहन कर। आजकल रोड पर जितनी भी बुलेट दिखती है ऑलमोस्ट कबीर सिंह की ही देन है। लोगों की रिलेटिबिलिटी फैक्टर खासकर जवान लोगों की इस मूवी से बहुत ही ज्यादा रहती है। उसे मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। एनिमल का वो सीन तो तुमने देखा ही होगा जब रणविजय की बहन को कुछ सीनियर्स छेड़ते हैं तो वो गुस्से में आकर उन्हें मारने चला जाता है। हर लड़के के माइंड में उस टाइम पर यही चल रहा होगा कि अपनी बहन का बदला लेने के लिए रणविजय जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, भले उसने कॉलेज में गन चला दी हो। ऐसे सीन्स को वांगा काफी दिमाग लगाकर लिखते हैं। उन्हें पता है कि ऑडियंस कहां ट्रिगर होती है और कैसे उनके इमोशनल पॉइंट को हिट किया जाता है। वैसा ही कुछ उन्होंने क्लाइमेक्स में भी किया जहां कुछ लोग रणविजय को उसकी हरकतों की वजह से नापसंद कर रहे थे और एंड में पापा और बेटे के बीच के सीन ने तो भाई सबको रुला के रख दिया और इस सीन्स पे इतने रील्स बने कि पब्लिक डिमांड पर वांगा जी और रणवीर को भी इस सीन को सबके सामने परफॉर्म करना पड़ा। उस दिन का रोल प्ले करेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ पापा पापा बोल रहे हैं, बाकी सब मैं करूंगा। ठीक है पापा, शिद्दत से करना, मेरा एक ही मौका है, चलो पापा एक्शन। पापा 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 चिल्ला मत, बहरा नहीं हूं मैं। और यही मुझे डायरेक्टर की विजुअलाइजेशन की पावर समझ आई कि किसी फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए एक एक्टर की एक्टिंग से भी ज्यादा एक डायरेक्टर के डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब मुझे लगता है कि चाहकर भी वांगा सर अपनी मूवी से वायलेंस नहीं हटा सकते। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, I can't avoid. उनकी आने वाली फिल्मों की हाइप का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इनकी आने वाली बहुत सारी मूवीज पर काम चल रहा है और आए दिनों कोई ना कोई न्यूज आते ही रहती है। अब वांगा सर की नेक्स्ट फिल्म प्रभास के साथ होगी जिसके अनाउंसमेंट खुद संदीप सर ने प्रभास 25 करके किया था। इस फिल्म को भी भूषण कुमार ही प्रोड्यूस करेंगे और ये प्रभास की बॉलीवुड में कमबैक फिल्म होगी। सालार के बाद प्रभास के फैंस इस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। न्यूज की माने तो इसमें प्रभास एक वायलेंट पुलिसमैन का रोल प्ले करेंगे और ये फिल्म स्पिरिट हो सकती है। देखते हैं इस बार इनका वायलेंस एनिमल को क्रॉस करता है या फिर नहीं। संदीप सर और अल्लू अर्जुन के साथ में काम करने की भी न्यूज बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल अभी तक इसे कंफर्म तो नहीं किया गया है पर अगर ऐसा हुआ तो अल्लू राज फिर से शुरू हो जाएगा। साउथ एक्ट्रेस के साथ साथ बॉलीवुड के बड़े स्टार भी अपनी किस्मत चमकाने और डूबते गए करियर को बचाने के लिए वांगा जी से सपोर्ट मांग रहे हैं। रिसेंटली न्यूज आई थी कि हमारे भाईजान भी इनके साथ काम करने का मन बना रहे हैं। भाई जो भी बोलू, भाईजान के तेरे नाम वाला अवतार फिर से देखने को मिल जाएगा तो बॉक्स ऑफिस पर बवाल मच जाएगा। इसके अलावा एनिमल पार्क की भी स्क्रिप्टिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये 2026 तक अपने को देखने को मिल जाएगी। इसके सीक्वल को लेकर बहुत सारी फैन थ्योरीज भी बनाई जा रही है। उनमें से एक मुझे बहुत मस्त लग रही है जिसमें अजीज हक का बिफोर सर्जरी वाला रोल शाहिद कपूर प्ले करेंगे और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो तुम लोग वांगा सर के अपकमिंग मूवीज के लिए कितने एक्साइटेड हो और तुम्हें क्या लगता है वांगा सर के आने वाली मूवीज कितना कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करेगी? फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत तगड़ी होने वाली है। तब तक के लिए हर हर महादेव।